Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you people are good, you are fine. Welcome to your English language class. Aaj ki class mein hum mausam ke bare mein chand fikrat seekhenge. So first sentence is, bahar ka mausam kaisa hai? Bahar ka mausam kaisa hai? How's the weather outside? How's the weather outside? Ya how is the weather outside? In short, hum log comma laga ke s lagate hain aur isko hum log bolte hain how's. Lekin how is bhi kaha ja sakta hai. How is the weather outside? Ya how's the weather outside? Aaj bahut garmi hai. आज बहुत गर्मी है. रादर हम लोग इसका रिप्लाई ये भी कर सकते हैं, अगर बाहर हवाएं चल रही हैं तो हम कहेंगे इट इज़ विंडी आउटसाइड. अगर बाहर सन है यानी कि सूरज निकला हुआ है तो कहेंगे इट इज़ सनी आउटसाइड. और अगर बाहर बादल छाए हुए हैं तो कहेंगे इट इज़ क्लाउडी आउटसाइड. आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे या इट्स वेरी हॉट टुडे. इट इज़ वेरी हॉट टुडे या It's very hot today. आज बारिश हो सकती है, आपको लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है तो कहेंगे It may rain today. हो सकती है, आप श्योर नहीं हो तो इसलिए may का यूज़ करेंगे. हो सकती है, It may rain today. कल ज़रूर बारिश होगी, आप श्योर हो तो इसलिए must का यूज़ करेंगे. It must rain today. Tomorrow. It must rain tomorrow. ज़रूर. ज़रूर मतलब must. कल मतलब टुमारो. कल येस्टरडे भी होता है लेकिन होगी, होगी फ्यूचर में चला गया तो फ्यूचर का जो होता है कल वो होता है टुमारो. इट मस्ट रेन टुमारो. ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है. अ कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग. अ कूल ब्रीज, कूल ब्रीज मतलब ठंडी हवा. कूल ठंडी, ब्रीज हवा, और ब्लो मतलब चलना, चल रही है. अ कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग. अ कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग. बूंदाबांदी हो रही है. बूंदाबांदी को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिजलिंग. बूंदाबांदी को कहते हैं ड्रिजलिंग. बूंदाबांदी हो रही है, ड्रिजल, ड्रिजलिंग. इट इज़ ड्रिजलिंग, इट इज़ drizzling. So students, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.